चीफ सेक्रेटरी साहब हैं मोहम्मद आजम खान, ये इनका कॉन्सेप्ट था आज से 3-4 साल पहले जब वो सेक्रेटरी टूरिज्म थे तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था। हमने क्वार्ट में ये किया कि हमने इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लिया, हमने इसमें क्लीनलीनेस भी डाल दी, इसमें थोड़ी ग्रीनरी का कंपोनेंट भी डाल दिया, पीसी ऑफिस से लेके बाईपास तक। तो अगर दोनों साइड्स आप ले लें तो तकरीबन 15 किलोमीटर का स्ट्रेच है। मॉडलिटी ये थी हमारी, जो कंसल्टेंट्स थे वो और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो आर्टिस्ट थे ये आपस में मिल के बैठे, इन्होंने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, डिज़ाइंस फाइनलाइज किए, जो टीचर्स और स्टूडेंट्स को जो इन्वॉल्व करना था फर्स्ट फेज़ में, तो जाके फिर उनको ट्रेनिंग दी और वो ट्रेनिंग जब कम्प्लीट हो गई तो उसके बाद ये एग्जीक्यूशन की तरफ चले गए। स्कूल्स की वॉल्स थी, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की वॉल्स थी रेलिवेंट टू दैट डिपार्टमेंट, वी थॉट कि हमें एक स्ट्रीट आर्ट करनी चाहिए। इस रीज़न के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से हमारे पास आर्टिस्ट आए ताकि वो हमारे ग्रुप्स बने, ग्रुप्स को वो लीड करें एंड इन देयर लीडरशिप वो एक खूबसूरत आर्ट बनाए वॉल्स पे रेलिवेंट टू दैट डिपार्टमेंट और रेलिवेंट टू दैट बिल्डिंग और दैट स्कूल। सो दिस इज़ हाउ वी मेड पॉसिबल फेज़ वन। ये पहली बार है और बहुत जो है ना मैं इसको सराहता हूँ कि इस किस्म के प्रोजेक्ट जो है ना बार बार होनी चाहिए ताकि हमारी भी इसमें प्रैक्टिस हो। पहले हम जो है ना छोटे पैमाने पे काम करते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें जो है ना ऐसा मौका दिया कि बड़े पैमाने पे हमने काम किया। तो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में पिछले 9 साल से काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे वहाँ पर अपने ड्राइंग के जौहर दिखाने का जो है ना कभी मौका मिला ही नहीं। तो इस प्रोजेक्ट के तौसत से पहली मरतबा मैंने अपने प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। कुहाट में ऐसे और भी प्रोजेक्ट हों कि हम उसमें काम करें और हमारा कुहाट का नाम रोशन हो, उसके साथ हमारा भी नाम रोशन हो और इन आर्टिस्ट से जो हमारे यहाँ आए हैं हम इनसे कुछ सीख रहे हैं जो हमने अपने भाई से, अपने बाप से, अपने घर में नहीं सीखा है। तो दूसरा फेज़ था वो ज़्यादा चैलेंजिंग इसलिए था कि उसमें हमारे पास टारगेट बहुत बड़ा था, उसमें हमने जितने भी शॉप्स थे प्राइवेट लोगों की शॉप्स थी, पहले तो हमने फेज़ में प्राइवेट जो शॉप्स के ओनर्स थे उनको हमने मोटिवेट किया कि वो खुद हमारे साथ, काफ़ी शॉप वाले शॉपकीपर्स ने खुद भी किया मगर मैक्सिमम शॉप्स को हमने अपने स्पॉन्सर के पेंट के थ्रू और मार्केट से हमने एक्सपर्ट्स हायर किए और उन एक्सपर्ट्स के थ्रू हमने उन सारे शॉप्स को हमने बहुत अच्छे तरीके से उनको पेंट किया है और इससे पिंडी रोड का ओवरऑल लुक जो है वो बदल चुका है। आपका इन्वायरमेंट क्लीन होगा, ग्रीन होगा, कलरफुल होगा, अच्छा होगा, तो मेरे ख्याल में ये किसी सिटी के रहने वालों में या किसी इलाके के रहने वालों में एक बहुत पॉजिटिव थिंकिंग जो है इससे जन्म लेती है। तो इस एक्टिविटी के थ्रू वी मेड इट पॉसिबल कि आर्ट को लोग वैल्यू करें एंड इसको यूज़ करें इन कंस्ट्रक्टिव वे। अगर उनमें टैलेंट है, अगर उनमें कोई स्किल है तो वो आगे जाएं, उसको डिस्करेज ना हो। इंशाल्लाह इसी के बेस पर हम बाकी कुहाट के रोड्स को भी इंशाल्लाह रंगीन बनाएंगे और कुहाट की आवाम से भी मैं ये अर्ज करता चलूँगा कि ये आपकी दीवारें हैं, कुहाट आपका अपना शहर है, इसका आप जितना खुद अपने घर का ख्याल रखते हैं इसी तरह से अपने रोड्स की सफाई का और खूबसूरती का ख्याल रखें।